175 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री है ये। फिर हम लोग जाएंगे मरीना बीच, तो आप लोगों को मरीना बीच दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, चलो चलो। और ये रहे हमारे फैमिली मेंबर्स इधर। अब हम लोग का टिकट हो गया है, अब हम लोग जाएंगे। या 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 बोलो बोलो ना, अब जब वीडियो कर रहे थे बोलो। सेंट थॉमस माउंट जाने के दो रास्ते हैं, तो हम लोग सड़क मार्ग से जा रहे हैं। आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं, उधर आप प्रेयर करते हुए जा सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं सेंट थॉमस माउंट, देखने जा रहे हैं। और आप लोग को दिखाएंगे चर्च, चर्च ठीक है। फैमिली सारे पहुंच चुके हैं सेंट थॉमस माउंट। अभी इधर जोनी और हम हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। देखो एयरपोर्ट दिखेगा उधर, एयरपोर्ट उधर सामने पीछे, ऊपर चढ़िए ना और दिखेगा। तो फाइनली अब हम लोग इंटर कर रहे हैं, और इंटर करते ही हमें एक सुंदर सा घंटा घर नजर आया जो बहुत ही सुंदर दिखाई दिया। और स्टैचू जो सेंट थॉमस और जीजस के हैं वो तो और ही खूबसूरत है। इससे प्रेरित सेंट थॉमस की शहादत का स्थल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर ईसाई समुदायों की स्थापना के लिए आए, तो उनकी 68 ईस्वी में उनकी इसी जगह पर हत्या कर दी गई थी। तो चलिए चलते हैं अब चर्च के अंदर और देखते हैं ब्लीडिंग क्रॉस। यह सेंट थॉमस द्वारा एक पत्थर पर बनाया गया क्रॉस था जो वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसे पीछे से भाले से छेद दिया गया था, और उसी क्रॉस पर सेंट थॉमस के ब्लड पड़ गए थे। जिससे कहा जाता है कि जब भी पवित्र मास किया जाता था तो उस क्रॉस से खून बहता था, और ये हर 2-3 साल में देखा जाता था। और इस क्रूस के अंदर सेंट थॉमस की उंगली की हड्डी का अवशेष रखा गया है। और ये जो पेंटिंग है माँ मरियम और जीजस की, इसे सेंट लुइस के द्वारा बनाया गया है। ये है चर्च, यहीं पे है सेंट थॉमस जी। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कौन उधर गए हैं बोलो, लास्ट टाइम आए तो उस टाइम भी बना दिया। देखो ना ये यहाँ पे भी बना, देखो ना यहाँ भी बना दिया पाथ, बना रहा है यहाँ भी जाने के लिए। और ये पूरा उधर जब सीढ़ी तरफ से चढ़ेंगे उधर से, तो उधर से तो है ही क्रूस रास्ता।
और ये ट्री देखिए 175 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री है, ये देख रहे हैं। परी जा रहे हैं कलवारी ऑफ सेंट थॉमस। अपनी
அப்பொழுது பாழ்வி என்றார். அப்படியே வந்தார். அவர்களை கண்டதும் மறுபடியும்